बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, इसको पिशावरी कबाब भी कहते हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं ये। मतलब जब भी खाएं, हम बार बार दिल चाहता है खाने के लिए, तो आप ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। चलें इसके लिए जो अशिया इस्तेमाल करेंगे वो बताते हैं। एक किलो हमने चिकन का कीमा लिया है, ये देखें दो तरह से नज़र आ रहा होगा, एक पाउंड ब्रेस्ट पीस का है और एक पाउंड लेग पीस का है। एक चम्मच हमने घी का लिया है, ये हम चिकनाई के तौर पे डालेंगे। अगर बीफ का बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी चिकनाई डालते। मीडियम साइज़ का एक टमाटर लिया है, इसका हमने बीज निकाल के बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी बारीक काट लिया है। दो अंडे लिए हैं, एक अंडा हम कच्चा डालेंगे, एक पका के डालेंगे। आधा कप हमने हरा धनिया लिया है, एक टेबल स्पून नमक लिया है, एक टीस्पून गरम मसाला लिया है, ये स्पेशल वाला नहीं है, सादा वाला है। एक टेबल स्पून हमने कुटी मिर्च ली है, एक टेबल स्पून लाल मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नमक मिर्च कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से चटपटे ही अच्छे बनते हैं। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्च ली है, ये हमने दो टेबल स्पून लिए हैं, तीन चीज़ें। एक टेबल स्पून हमने साबित धनिया लिया है, और एक टेबल स्पून में अजवाइन और ज़ीरा लिया है, और इनको हल्का सा भूना है, बस ऐसा कि खुशबू सो आए लेकिन कलर चेंज ना हो। तीन टेबल स्पून हमने कॉर्न का आटा लिया है, और ये कॉर्न फ्लोर है, ये दो टेबल स्पून है। तो चले इसको सबको हम मिक्स करते हैं। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक अंडा डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस ऐसे ही कच्चा पक्का करके डालेंगे। घी डालेंगे एक टेबल स्पून, और इसको मिक्स करें। ये अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं पिशावरी कबाब हैं, जिस तरह से हर कबाबों का नाम है ना, सीख कबाब, शामी कबाब, इस तरह से ये पिशावरी कबाब। चले हम इसको रखते हैं, फिर फ्राई करते हैं, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब देखिए तेल हमारा गर्म हो गया, ये देखें, पानी की हेल्प से चपली कबाब हमेशा बड़े बनते हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितना बड़ा पेड़ डालेंगे। बहुत ही मज़े के बने, हमारी रेसिपी से बनाइए। देखिए इतने बड़ा करी, इतने बड़े बड़े बनाइए, चपली कबाब हमेशा बड़े बड़े बनते हैं।
और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये छोटे हो जाते हैं। पानी की मदद से हो जाएंगे, हम इनको पलटेंगे। हम आपको इनको फ्रीज करना भी बताते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया। देखिए हो गए हैं दोनों साइकिल से, और ये चिकन के हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। देखिए हम निकाल लेते हैं। टमाटर हमने इसमें काट के डाले, आपकी मर्जी है। अगर आप इस तरह से भी अगर आपने रखना है तो रखें, हम नहीं रखते। हमने वही रेसिपी आपको दी जो बनाते हैं अपने घर में, हम इस तरह से टमाटर नहीं लगाते। ये देखें हमने फ्राई कर ली। अब हम आपको बताते हैं कि फ्रीज किस तरह से करते हैं। देखिए ले ली, हम ये बिछाते जाएंगे और इस पर बना बना के रखते जाएंगे। देखें इस पे रख देंगे हम, थोड़ा सा इससे भी बैलेंस कर दें हाथ से भी। ये देखिए इस तरह से उठाने में आसानी रहती है इनसे, थोड़ा सा प्लास्टिक इस पे ट्रे पे चिपकते नहीं है। अब ये देख डबल रखना है ना, आपके पास ज़्यादा बना रही हैं आप, डबल रखना है। तो ये इस पे रख लें, डबल पन्नी पे रख दें कि जब ये फ्रीज हो जाए तो आप इसको इस तरह से करके रख लें। ये देखें ये पक्का हुआ हम रखना दिखा रहे हैं क्योंकि जमा हुआ है नहीं हमारे पास। और ये सैंडविच की थैली है, उस बाज़ार में मिलती हैं बहुत आराम से। तो चलें हम सारे इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने फ्राई कर ली है और ये हमने फ्रीज कर लिए हैं। फ्रीज करने के लिए मतलब बना लिए हैं, फ्रीज करना है हमें। और ये हमने डबल डबल रखे हैं, अभी आपको दिखाया था हमने कि एक थैली बिछा ली और उसके ऊपर दूसरा रख दिया है। तो इस तरह से फ्रीज कर लें और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं और ये मज़े के इतने हैं कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बस जब आपके पास खाने को कुछ नहीं हो ये फटाफट निकाल लें, रायता बनाएं और खा लें आराम से, बहुत ही मज़े के हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह चपली कबाब हमारे रेडी हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको फौरन मिले। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।